कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बारा प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके एक फाइनेंस कंपनी ने अपना कार्यालय खोल रखा था, जहां एक दर्जन ग्रामीण भी मौजूद थे। मामले का पता चलने पर पुलिस ने दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों का चालान बनाकर दफ्तर पर ताला लगा दिया। शहर के कोटा रोड पर महिला स्वयं सहायता समूह को लोन बांटने वाली लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने न केवल खुली हुई थी, बल्कि कंपनी द्वारा ग्रामीणों को लोन भी दिया जा रहा था। इस दौरान इलाके में गश्त कर रही थी पुलिस को जब बंद शटर के बाहर बड़ी संख्या में चप्पल जूते नजर आए, तो उन्होंने शटर खुलवा कर जांच की तो अंदर करीब दो दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मौजूद थे। जान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की थी। पुलिस ने कंपनी के 6 कर्मचारियों का चालान बनाया, मौजूद ग्रामीणों को वहां से रवाना कर दिया। सनलाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी महिला समूह लोन का कार्य करती है। इसमें क्या है, हमारे को बोला गया कि आप कैसे भी करके डिसबर्समेंट करवाना है, तो हमने एक कम दो पांच कस्टमर बुलाए थे, तो उनके पति दोनों साथ में आए और हम एक एक करके डिसबर्समेंट करवा रहे थे। अचानक हमने आगे भी मेल कर रखा है जो लॉकडाउन है यहाँ पे, हमने जो से 24 तारीख को पता चला तो एचआर को मेल कर दिया, एम को मेल कर दिया, आरएम सर को मेल कर दिया। उसके बाद में भी हमें फोकस किया जा रहा है कि आपको ब्रांच खोलना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। अभी कोटा रोड पे गश्त करते हुए लॉकडाउन जो पिछले 6 दिनों से लगा हुआ है कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार, तो यहाँ से कोटा रोड से जब गश्त कर रहे थे तो बहुत सारी भीड़ और कुछ चप्पलें खुली हुई किसी दुकान के आगे नजर आई, तो ये लाइट फाइनेंस कंपनी है कोई, उसके अंदर लोग वहाँ काम कर रहे थे बैठकर, जहाँ काफ़ी भीड़ थी उनका सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर उनके चालान काटे गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इनको दुकान को बंद रखने के लिए हिदायत दी गई है।